विक्री हॉरस्कोप वीक कमेंसिंग मैंसिंग ट्वेंटी एट दिसंबर टर्ड ऑफ जनवरी विक्री हॉरस्कोप जिसका ताल्लुका था अट्ठाइस दिसंबर से लेकर तीन जनवरी दो हज़ार बीस तक आप सब के लिए शुरुआत करते एरीज एरीज के लिए ये आने वाला वीक शुरुआत करते हैं एरीज से चंद्रमा के गोचर एरीज के दूसरे भाव में छब्बीस दिसंबर 2020 से लेके उनतीस दिसंबर 2020 तक चंद्र गोचर दूसरे भाव में होगा चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में चंद्रमा गोचर जब सेकंड हाउस में होगा ट्रांजिट के दौरान सेकंड हाउस में उस समय जब चंद्रमा गोचर सेकंड हाउस में होगा पैसे का बहुत ध्यान रखें फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें बिना सोचे विचारे कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं बिना सोचे विचारे फजूल कामों में पैसा खर्च ना करें बिना सोचे विचारे जब लोगों से डीलिंग करें विचार करके करें बिना सोचे विचारे ऐसा कुछ ना करें जो गलत हो लोगों की बातों में ना आए अगर कोई आपको कोई शॉर्टकट मेथड दे कि आप ये कर लें और वो कर लें और आप कामयाबी हो सकती है या आपको हार्ड वर्क की जरूरत नहीं टाइम ना लगाए सक्सेस आपको सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट मेथड बताए वो ना लें वो लोग आपका पैसा खा जाएंगे आपको बेवकूफ़ बना देंगे आपको हरास कर देंगे वो ना करें गलत संगत से दूर रहें चोरों ठगों से बच के रहें फिर बाद में आप उन्हीं के साथ झगड़े करते रहेंगे और एपुटेशन आपकी डैमेज होती रहेगी गलत संगत से दूर रहें काम काज में रुकावट है इसमें डटे रहना होगा ये टेम्प्ररी फेज़ है परमानेंट नहीं है हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा मेंटली फिजिकली आपको बहुत कई बार परेशानी बहुत होगी हार्ड वर्क और टाइम को आप रिप्लेस नहीं कर सकते फिजिकली कई बार आप थके हुए होंगे दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी मन में संतुष्टि नहीं होगी लेकिन फिर भी आपको डट के काम करना है कई बार किसी चीज़ में मन भी नहीं होगा इस समय परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं तो डट के मेहनत करनी पड़ेगी वही एक मैथड है परेशानी से परमानेंट फारग होने का भगौड़ों को कोई मुक्ति नहीं मिलती आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी वही एक तरीका है सक्सेस का एरिस के लिए चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में 29 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में होगा चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में ट्रांजिट में चंद्रमा जब गोचर के दौरान ट्रांजिट के दौरान थर्ड हाउस में होगा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कामयाबी आपको मिलेगी आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को अप्रिशिएशन मिलेगी रेगुलेशन मिलेगी ये टाइम पीरियड जब चंद्रमा गोचर थर्ड हाउस में होगा ये टाइम पीरियड धन संपदा भी मिलेगी मरे हुए पैसे जिंदा होंगे पैसा मिलेगा सक्सेस मिलेगी नाम होगा तरक्की होगी चंद्रमा गुर्जर जब थर्ड हाउस में होगा खुशियाँ मिलेंगी और बहुत आप इन्जॉय करेंगे क्लोजनेस को बहुत इन्जॉय करेंगे कंपानियनशिप को बहुत इन्जॉय करेंगे खुशहाली आपको मिलेगी और ये टाइम पीरियड मेंटली सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी दोस्तों मित्रों के साथ बहुत आप अच्छी तरह से जाएंगे अच्छे दिनों की शुरुआत होगी चंद्रमा गोचर एरीज के लिए चौथे भाव में 31 दिसंबर 2020 से लेकर सेकेंड जनवरी 2021 एक, तक चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में होगा विश्यू आर वेरी हैप्पी न्यू ईयर चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में चंद्रमा गोचर जब फोर्थ हाउस में होगा बहुत सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे हेल्थ को लेकर पीस ऑफ माइंड को लेकर फैमिली हैप्पीनेस को लेकर चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा छाती को लेके पेट को लेके चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा हेल्थ आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी फैमिली मेंबर की हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं होगी दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी हर बात पे आप डाउट करेंगे किसी बात पे यकीन ना करेंगे चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा उस समय अपने मन से दुख डर कला क्लेश निकाल दें कॉन्फिडेंस को जिंदा करें दिमागी तौर पर बैलेंस करें अपने आप को चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा फनाशी बहुत टफ टाइम होगा खर्चे आसमान के तक हो होंगे और गलत चीज़ों पे होंगे पैसे का बहुत ध्यान रखें चंद्रमा गोचर जब चौथे भाव में होगा रिलेशनशिप का ध्यान रखें किसी से दुश्मनियाँ पैदा ना करें ऐसा कुछ ना करें जो आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर दे मेरा ये मानना है कि इस समय नशे से परहेज करें लड़ाई झगड़ों से परहेज करें फसाद किसी कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट ना बने अपनी वेलबींग का सोच विचार करके चलें फजूल बातों में अपने आप को ना उछाएँ प्रोडक्टिव बने परिवार का और अपनी हेल्थ और सोच का ध्यान रखें अपने आप को नया विजन दें डिटर्मिन बने ड्राई बिल्डअप करें डिसिप्लिन में रहें और जितना आप डिसिप्लिन में होंगे डिटरमिन होंगे जितनी ड्राइव आपकी अच्छी होगी जितना आपका विजन रिफ्रेश होगा उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी चंद्रमा गोचर पंचम भाव में सेकेंड जनवरी 2021 से लेके पाँच जनवरी 2021 तक चंद्रमा गोचर पंचम भाव में होगा विश्यू वेरी हैप्पी न्यू चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में फिफ्थ हाउस के लिए ट्रांजिट चंद्रमा का मून का ट्रांजिट पे पंचम भाव के अंदर नहीं चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में होगा फिफ्थ हाउस में होगा ये नेगेटिव रिजल्ट देगा चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर के दौरान आएगा ये आपको डिसअपॉइंटेड करेगा कोई भी कारकरी हो कोई भी आपका बिजनेस हो प्रोफेशन हो करियर हो चंद्रमा जब भी पंचम भाव में गोचर के दौरान गोचर में चलेगा तो हर काम में आपके अड़ंगे आएंगे ऑबस्टेकल्स आएंगे कोई काम नहीं भी बनेगा बिजनेस प्रोफेशन में बहुत सारी मुश्किलेंत आएंगी कोई डील भी नहीं बनेगी चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर के दौरान चलेगा कोई प्लान आपका मटेरियलाइज भी नहीं होगा हर काम में आपके ऑब्स्टेकल होंगे टाइम बड़ा वेस्ट होगा कोई काम बनेगा भी नहीं टेक्निकल ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे चंद्रमा का गोचर जब पंचम भाव में होगा दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी कोई मन की इच्छा पूरी नहीं होगी हर चीज़ आपके खिलाफ होगी हर चीज़ आपके विरुद्ध होगी जब चंद्रमा गोचर पंचम भाव में होगा हर चीज़ आपके खिलाफ होगी जब आप अपना कंपैरिजन दोस्तों मित्रों से करेंगे तो शर्म आएगी आपको ये क्या हो गया और आप बड़े परेशान होंगे पैसों के हालात बहुत तंगी के होंगे पैसा वहीं खर्च करें जहां बहुत जरूरी हो सेहत का बहुत ध्यान रखें पेट को लेके इशू बहुत होगा नेगेटिव एटीट्यूड से बच के रहें रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें और लोगों को ब्लेम करने की बजाय कुछ सच्चाई का सामना करना होगा जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सच्चाई का सामना करना पड़ेगा बजाय दूसरों को ब्लेम करके कुछ कुछ से कुछ बनने वाला नहीं खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जो आपको करना पड़े उसको करें और फिर आप चलें तब आपकी बात बनेगी ईसाने वाले वीक के अंदर ईसाने वाले वीक के अंदर चंद्रमा वीनस राहु केतु पे आपको काम करना होगा इन पे काम किया जाएगा लॉस ऑफ स्टेटस नहीं होगा फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे पैसे की तंगी नहीं होगी हेल्थ आपकी ठीक रहेगी मैरिड लाइफ के अंदर भी कोई इश्यूज़ लिविंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे लेकिन किसी भी तरह से चंद्रमा वीनस राहु केतु पर काम करना होगा हाँ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी फुल रिपोर्ट हासिल करें आप हमारी वेबसाइट पर जाएं प्रकाश प्रकाशर डॉट कॉम की आपका इस वीकली को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक में हालात कैसे होंगे सिचुएशंस कैसी होंगी अगर आप किसी खास मीटिंग पे जाना चाहते हैं मूड कैसा होगा आपका व्यवहार कैसा होगा लोगों के एटीट्यूड आपके प्रति कैसे होंगे आपकी सोच कैसी होगी इन्वामेंट कैसा होगा क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक के अंदर क्या मेजर इवेंट्स हो सकते हैं आपके साथ क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह की एस के एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आप लेके अपने डिसीजन जो चॉइसेस आप बनाना चाहते हैं इस हफ्ते वो अच्छे बना पाएंगे क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले वीक के अंदर क्या आपको ज्योतिष के मुताबिक क्या आपको कोई उपाय करना चाहिए जो एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकलने के लिए जो मुश्किलें आपके सामने खड़ी हैं उनसे उबरने के लिए चाहे वो आपका टाइम वेस्ट कर रही हो अगर आपका इन सवालों का जवाब आपका हाँ के अंदर है तो आप किस इन, किस इंतजार में कर इस तुरंत आप अपना वीकली हॉर्स्कोपी की रिपोर्ट लीजिए वीडियो में भी है रिटर्न में भी जिसमें पूरी गाइडेंस आपके लिए दी गई है हमारी वेबसाइट प्रकाश डॉट कॉम को विज़िट करें और वीडियो और रिटर्न रिपोर्ट हासिल करें मैं चाहता हूं कि आप सर्वसंपन्न हों खुशहाल हों तंदुरुस्त हों और हार्मोनियस जिंदगी में जी रहे हों